हेलो एवरीवन। सो कंपनी है अपनी आज भारतीय एयरटेल लिमिटेड, अपनी एयरटेल सिम। सो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 4,41,907 करोड़ की। कंपनी का आरओसी देखें तो वो है कंपनी का 12% का। आरओई देखें तो आरओई है 5.86% का। ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रगल कर रही है इसके रेशियो के देखें तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स। तो क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो 2022 के दिसंबर में जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया वो है 2,614 करोड़ का। ठीक है, एंड अगर हम बात करें और क्वार्टर्स की, पीछे क्वार्टर रिजल्ट्स की लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। लास्ट वाला ज़्यादा आया था, 2,979 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2022 में, बट ये गिर के कम रह गया। ठीक है, जो पहले भी 2022 मार्च में आया था 3,715 करोड़ का। मतलब कुल मिला के बात ये है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स फ्लैक्चुएट हो रहे हैं थोड़े बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा ऊपर जो फ्लैक्चुएशन है कंपनी के प्रॉफिट्स में अभी। ठीक है, और जो अभी से नहीं है, बहुत टाइम से चल रही है। मतलब 2021 में भी यही सीन था, 2020 के दिसंबर में, 2020 में देखिए दिसंबर के आया था 1,350 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में आया था 1,511 करोड़ का प्रॉफिट, वो घट के रह गया जून 2021 में 941 करोड़ का, और फिर बढ़ के आ गया 2021 में सितंबर में 1,998 करोड़ का। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है प्रॉफिट में। ठीक है, एंड प्रॉफिट लॉस देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस का, तो कंपनी का 20 में और 21 दोनों लॉस था। 20 में था 30,664 करोड़ का लॉस, 21 में था 12,364 करोड़ का लॉस। प्रॉफिट आया मार्च 2022 में 8,305 करोड़ का प्रॉफिट। टीटीएम देखें, टीटीएम शो कर रहा है 11,776 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि देखिए प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि कंपनी वैसी उस टाइप की है, बट ये श्योर नहीं है कितना आज के आसपास आ सकता है, नीचे भी इसके आए। ठीक है, 9,000-10,000 के आसपास हो सकता है, इसमें ज़्यादा भी आ जाए तो फिलहाल तो ये कम लग रहा है आता हुआ। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी में बोरिंग्स भरी पड़ी है। बोरिंग्स हैं 2,17,989 करोड़ की, और रिजर्व बना हुआ है सिर्फ 70,022 करोड़ का, जो थोड़ी डिसएडवांटेज टाइप का मतलब लगता है वही है। 2022 में हुआ था कंपनी को कैश फ्लो -101,664 करोड़ का। इन्वेस्टर्स में चलते हैं तो इन्वेस्टर्स में देखिए प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है 55.12% की, फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग है 21.70% की, डोमेस्टिक एक्सचेंज की होल्डिंग है 19.02% की, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.12%, पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 4%, अदर की 0.05%। तो होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है, होल्डिंग से देख सकते हैं कि शेयर अच्छा है। अब देखते हैं चार्ट में क्या है, चार्ट में क्या बन रहा है। तो चार्ट में दिखा देता हूँ जो मैं एनालाइज करता हूँ, जिसकी फ्लैग एंड पोल पैटर्न की करंट टाइम में वही है। ये भी इसका बहुत बड़ा बना है इसका अपना कप, जो देख सकते हैं कितना बड़ा कप है। ऑल टाइम हाई यहाँ टच हुआ था, देन फिर टच किया 2021 में, 2017-18 में करना चाहा था पर तो कोविड वगैरह कुछ रहा वो नहीं कर पाया, फिर इसने 21 में टच किया, 21 में टच किया, फिर इसने स्टॉप लॉस सेट करा दिया। ऐसी खैर ब्रेकआउट तो नहीं आया था, और ऐसे ब्रेकआउट कुछ को लेता भी नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट कुछ देख के दिखाता हूँ क्या है। ये ब्रेकआउट पे एक कैंडल और दूंगा, दिखा देता हूँ। आप जो ब्रेकआउट पे कैंडल देख रहे हैं, ये वाली इसमें रखा हुआ कर्जर, ये ऊपर क्लोज नहीं है पूरी तरीके से, ये लाइन पे क्लोज है, तो यहाँ तो कोई बाय इसको नहीं करेगा। नेक्स्ट कैंडल भी देखें, उससे भी कोई बाय नहीं करेगा। उसके बाद में नीचे आना चालू कर दिया, ठीक है, यहाँ चालू कर दिया यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट मिला अपने को इसमें जुलाई 2021 के बाद, यानी कि अगस्त 2021 में। अब वहाँ ब्रेकआउट मिला, उस टाइम कंपनी की जो प्राइस थी वो आप मान लो 550 से लेकर 600 के बीच में थी। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ से लेकर अब तक कंपनी का जो टोटल रन रहा है ना, वो भी कंपनी पहुँच पाई है 765 रुपये पर। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अभी इस कंपनी के लिए इतना ही अचीव करना नहीं है, आगे और अचीव करेगी, बट कंपनी स्ट्रगल कर रही है प्रॉफिट में एंड मार्केट में अभी। तो देखते हैं कब कंपनी अपने आप को स्ट्रगल से बाहर निकालती है एंड कब कंपनी पर निकलती है। बट तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं तो भी सही रहेगा, क्योंकि कंपनी का पता नहीं है और नीचे आए कि नहीं आए, क्योंकि यहाँ से हम अगर एक
ट्रेंड लाइन खींचें यहाँ से, तो ट्रेंड लाइन देखो क्या दिखा रही है, ये देखो ट्रेंड लाइन, परफेक्ट। देख लो ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन है ठीक है। इसने जब दूसरी बार यानी कि यहाँ से चल के यहाँ गया फिर गिरा, तो इस लाइन से नीचे नहीं आया है, वहीं से ऊपर टप्पा करके फिर से ऊपर चल दिया। तो मुझे लग रहा नहीं कि नीचे जो आएगा, अगर प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे आते गए तो हो सकता है और निकल जाए ऊपर। तो आज के इतना ही, डन फॉर टुडे, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।